हेलो बच्चा बेटे, वेलकम टू रेगुलर बेटे यूट्यूब चैनल। तो बच्चा कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एग्जाम जिस तरह नजदीक आ गया है आपका, है ना, बहुत करीब आ चुका है आपका, तो आप तो मचा रहे होंगे। आप जेन्युइनली आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, है ना। अपने आप को रूम में लॉक जरूर कर लिए होंगे, क्या कहते हैं, कर लिए होंगे ना। इतना समझदारी तो आपके पास जरूर है कि कुछ भी हो जाए अपना तो नुकसान नहीं करना, है ना। और अगर आप अभी भी नहीं किए हैं तो समझ जाओ बच्चा कि आप नुकसान करने वाले हो बाबू। तो बिल्कुल बाबू, आप अपने आप को अगर कर लिए तो मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर नहीं किए हैं तो खुद को लॉक कर लीजिए, अभी भी कर लीजिए, अभी भी 25 दिन टाइम है, कर लीजिए बच्चा। आज मैं बच्चा आपके बीच कुछ बातें करना आया था, क्योंकि बहुत दिन हो गया, मैं सोच रहा था थोड़ा बात कर लो। एडमिट कार्ड भी आ गया होगा आपको, है ना, बहुत लोगों का फर्स्ट सेटिंग में आया है, बहुत लोगों का सेकेंड सेटिंग में आया है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर सेकेंड सेटिंग में क्वेश्चन आता है हार्ड या फर्स्ट सेटिंग में आता है? तो मैं बता दूं, जो फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम देगा ना उस सेकंड सेटिंग को बदनाम करेगा कि सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन बढ़िया आया था, फर्स्ट सेटिंग में हार्ड आया था। और जो फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम नहीं दे पाया, सेकंड सेटिंग में दिया, उनको क्या लगेगा पता है? उनको लगेगा फर्स्ट सेटिंग में आसान क्वेश्चन आया था, सेकंड सेटिंग में थोड़ा हार्ड आया। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट सेटिंग में होता तो मैं फोड़ देता, और फर्स्ट सेटिंग वाले बोलेगा मैं सेकंड सेटिंग में होता तो मैं फोड़ देता। जबकि बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर आप जेन्युइन अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो ये भी मैटर नहीं करता है कि आपके आजू बाजू में कौन बैठ रहा है, ये भी मैटर नहीं करेगा कि आपको कौन सा कॉलेजेस में दिया जा रहा है सेंटर, समझ लो। और ना ही ये मैटर करेगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, समझ लो ना। तो अगर आपकी तैयारी मस्त है, जबरदस्त है, 100% है बच्चा, तो आप बिल्कुल कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है हर चीज का, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा नहीं आएगा। जैसा भी आएगा आप फोड़ डालोगे उसको, है कि नहीं। तो बस यही माइंड सेट लेके आपको चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गया है तो उनको लग रहा है कि यार मैं क्या पढ़ू, मैं क्या नहीं पढ़ू, है ना, मैं ये भी पढ़ लू, ये भी पढ़ लू, ये भी पढ़ लू। बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं भी ये भी नहीं पढ़ाऊ, ये भी नहीं पढ़ाऊ, ये भी नहीं पढ़ाऊ, तो उनका दिमाग थोड़ा ना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि मैं क्या ही पढ़ू, इसको पढ़ू या उसको पढ़ू या उसको पढ़ू। तो बच्चा एक बात बताता हूं, पहले चिल हो लो, पहले चिल हो लो, ठीक है, दिमाग को, ब्रेन को एकदम शांत करो और रिवीजन करो आंख बंद कर। कोई भी चैप्टर का रिवीजन करते हो आंख बंद कर, जो भी चीज तुम पढ़े हो आंख बंद करके उसको सोचो, उसको अवचेतन मन में डालो, ठीक है, दिमाग आंख बिल्कुल बंद करके चिंतन करो। अब जो समय बचा है ना बच्चा, अब चिंता का नहीं बचा है, चिंतन का बचा है, समझ लो। तो जो भी आप पढ़े हैं, जिसमें भी आप बेस्ट हैं, उसको दिमाग में घुमाइए, पिक्चर बनाइए दिमाग में कि मैं ये वाला पढ़ा हूं तो क्या मेरे दिमाग में, ब्रेन में वो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अगर आ रहा होगा तभी एग्जाम हॉल में वोमिटिंग अच्छा से हो पाएगा, समझ लो क्या। और अगर यहां पे नहीं आ रहा है बच्चा तो वहां पे ब्लैंक हो जाएगा माइंड, आपका दिमाग बिल्कुल खाली लगेगा, आपको लगेगा मैं कुछ जाने दिया रहा हूं, भूल गया हूं। तो आप ना इस तरह का प्रैक्टिस करने का आदत डालो, चिंतन करना है, चिंता नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चिंतन किस पे करना है, चिंतन जो कुछ भी आप जानते हैं बच्चा, जो कुछ भी आप पढ़ रखे हो बाबू, आप उसके ऊपर चिंतन करना है, क्या करना है, चिंतन, चिंता नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि चिंता करेंगे तो जो कुछ भी आपके पास है बच्चा पार्टी वो भी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर चिंतन करेंगे आंख बिल्कुल बंद करके, बिल्कुल दिमाग शांत होके, किसी से ज्यादा बातें नहीं करेंगे, एकदम कूल होके सोचेंगे, जो कुछ भी पढ़े हैं दिमाग में आ रहा है। अगर मैथ पढ़े हो तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो या एपी पढ़े हो या कुछ भी पढ़े हो तो उसके बारे में दिमाग में लाइए, क्या फॉर्मूला आ रहा है, क्या कुछ भी आ रहा है, क्या कंसेप्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी मस्त है, मस्त है। और यदि नहीं आ रहा है तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है ना। तो पढ़िए अभी भी टाइम है, अभी भी 25 दिन ऑलमोस्ट है, तो अभी भी आप पढ़िए, समझ रहे कि नहीं। चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता से चीता बन जाता है लोग, है ना। तो चिंतन करना है, क्या करना है बच्चा, चिंतन, आंख बंद, माइंड बिल्कुल रिलैक्स, और सोचना है जो भी चीज आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में कि वो मेरे दिमाग में है कि नहीं, ठीक है बच्चा बड़े। तो बिल्कुल ये जो लास्ट टाइम बचा है आपके पास 25 दिन, इसको एक सेकेंड इस्तेमाल करना है आप,
एक एक सेकेंड इस्तेमाल करना है, और आपको मैंने जो कुछ भी लक्ष्य बनवाया था जनवरी में, याद कीजिए, उस लक्ष्य को पाना ही पाना है। इस बार समूहतला से बिहार बोर्ड टॉपर निकलना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए आपको इतना ज्यादा जबरदस्त दिमाग से मेहनत करना है कि जो लक्ष्य अपन सेट किए थे 2023 जनवरी में, ओ बाबू हम लोग पा सके, उस लक्ष्य को हम लोग क्या कर सके, अचीव कर पावे, ठीक है? तो इसके लिए जो कुछ भी मैं आपको तौर तरीका बता रहा हूं, और सब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, सब नाप तोल के बता रहा हूं आपको, तो उसको डिटो फॉलो करना है, ठीक है बच्चा? और सिमुताला जो कि सरकारी स्कूल से आज तक का स्टेट बोर्ड टॉपर नहीं हुआ है, अब नहीं होगा तो कब होगा, है ना? जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। तो बच्चा आपको मैं जिस तरह एक परण दिया हूं, एक डेडिकेशन दिया हूं, एक रूटीन में ढाला हूं, उस रूटीन को बिल्कुल खराब होने नहीं दीजिएगा, ठीक है? साथ ही साथ एक और मैसेज मैं देना चाहूंगा बच्चा, कि अभी का जो दिन है ना, अभी जो 25 दिन है आपके पास, ये 25 दिन में ना सिवाय पढ़ाई का आप दिमाग में कुछ भी नहीं लाइएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, चाहे वो आलतू फालतू कुछ भी बात हो, समझ लो ना, इधर की हो उधर की हो कुछ भी हो, मेरा बात समझ लो आप, कुछ भी आप फिलहाल एक 25 दिन तक नहीं लाइएगा अपने दिमाग में, समझ रहे ना? जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक आप सिवाय पढ़ने का, आप सिवाय अपने एग्जाम के बारे में सोचने का, आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, अल्टर इधर का उधर, जो आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं रखता है, समझ गए कि नहीं बच्चे? और तभी हमारा सपना, जो हम सबका सपना था, कि सिमुताला में जो एक सिंपल गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा टॉप नहीं कर पा रहा है, वो सपना पूरा हो पाएगा। और जो सपना हम लोग लेके चले हैं, जो कि बहुत बड़ा मिशन है, कि हम सिमुताला को कोटा बना के छोड़ेंगे, उस सपना में भी, उस सपना पर भी हम लोग खड़े उतर पाएंगे। तो इसके लिए बच्चा आप सभी का अपार मेहनत की जरूरत है, और आप सब लोग अगर मेहनत करेंगे तभी हम सब मिलके सिमुताला को एक नया सिमुताला, जो कि शिमला बोला जाता है, छोटे शिमला, इसको बहुत बड़ा शिमला बनाना है ना, तो कोटा बना पाएंगे बच्चा। तो इसके लिए मेहनत कीजिए, मेरा शुभकामनाएं आपके साथ है, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, दबा के मेहनत करिए, माँ बाप का सेवा करें, और जहां भी रहे अपने कामों से प्यार करें, बड़ों को सेवा करें, बाकी क्या है, मचाइए, आपके साथ हमेशा है। लेकिन बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।